बिहार TET और CTET पास अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत आवश्यक वीडियो है। बिहार TET 2017 पास और CTET पास अभ्यर्थी जो बहाली के इंतज़ार में हैं, उनका अब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है और इस पर शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन आज आपको कुछ सवालों से रूबरू कराएगा, कुछ जवाबों से रूबरू कराएगा। साथ में चर्चा होगी कि कमेंट में आपके द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और आपके द्वारा ये भी कहा गया है कि बहाली प्रक्रिया पर रोक की बात शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन क्यों करता है। और इन सवालों का जवाब देना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि आप पीड़ित अभ्यर्थी हैं और आप ज्वलंत सवाल पूछ सकते हैं, आपका हक है, और जवाब देना हमारा फर्ज है। हमारा मकसद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाना कतई नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था को सुधारने का है। आप सभी ने शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के वीडियो को गलत रूप में देखा और आपको लगा कि बहाली प्रक्रिया पर रोक के लिए ही हम लड़ रहे हैं, पर हमारा सही मकसद है गलत प्रश्नों के बदले अंक लेकर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करवाया जाए। इसी मुद्दे पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश ने यह कहा है कि 8 जुलाई को पुनः सुनवाई होगी और उसी पर कुछ फैसला दिया जा सकता है। अब बिहार TET और CTET पास पीड़ित अभ्यर्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कुछ ज्वलंत सवाल है। जुलाई में नोटिफिकेशन की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, RK महाजन के द्वारा, पर ये सामने स्क्रीन पर जो खबर है, स्टडी टूर के नाम पर अय्याशी और पीड़ित अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। शायद ये खबर आपको याद हो, शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन नहीं, जब आप पर गर्दनी बाग में लाठियां चल रही थी तो पूरा लाइव कवरेज दिखाया था। साथ में इस खबर के माध्यम से जागृत करने की कोशिश की गई थी कि एक तरफ स्टडी टूर के नाम पर नेता अय्याशी करते हैं और पीड़ित अभ्यर्थियों पर लाठी चलता है। शायद वो खबर आप भूल गए और आज आपको लगता है कि हम आपके विरोध में हैं। अगर आपके विरोध में रहते तो उस दिन जो भी मीडियाकर्मी बिहार से गए हैं आपके पास, वो चाहे ETV हो, कशिश न्यूज़ हो, ABPP हो या आज तक हो, सभी को हमने कॉल करके आपके पास अविलंब पहुंचने के लिए कहा था। जब आप पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद सभी लोग आपके पास पहुंचे थे और आपका जो मीडिया में इंटरव्यू आया है उसमें शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन का बड़ा हाथ है। पर हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, हमारा काम है आपको हक दिलवाना। इस संस्था का नाम है शिक्षा सुधार रोजगार। तो अब हम रोजगार की भी बात कर रहे हैं और सुधार की भी बात कर रहे हैं और शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सुधार गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर जो लड़ाई है उसमें होना चाहिए, जो आप भी मानते हैं, क्योंकि अगर अंक मिलता है तो आपको भी इसका फायदा होगा। 2017 बिहार TET पीड़ित अभ्यर्थी जो कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको शायद पता होगा कि ये लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ी जा रही है, 2 साल तो हो ही गए हैं। अब फैसला आना चाहिए और इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। 10 से 15 हज़ार पीड़ित अभ्यर्थी अभी भी सड़क पर हैं जिनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप CTET पास हैं, आप BTET पास हैं, ये आपकी खुशनसीबी है, लेकिन बोर्ड के गलती के कारण जो ये पीड़ित अभ्यर्थी अभी फेल हैं, अगर इनके साथ आज नाइंसाफी होती है तो कल आने वाले भविष्य में भी यही होगा, क्योंकि 2013 में उर्दू बांग्ला TET पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी हुई और जिसका खामियाजा 2017 बिहार TET पीड़ित अभ्यर्थी भी झेल रहे हैं। अगर अभी इसको नहीं सुधारा गया तो आने वाले भविष्य में फिर TET होगा, फिर गलत प्रश्न पूछे जाएंगे और यही मुद्दा लटका रहेगा। हमारा मकसद इंसाफ दिलाना है, ना कि आपके साथ नाइंसाफी करना। आपकी बहाली की मांग जायज़ है और हम आपके साथ हैं और आपके हर धरने को हम कवर करते हैं, और हमारा वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपके पक्ष में ही बोला गया है। पर अभी जो स्थिति है, बहाली प्रक्रिया सिर पर है और आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 हज़ार पीड़ित अभ्यर्थी अभी भी कहीं नहीं हैं, उनके भविष्य के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अब बात मुद्दे की,
ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है आरके महाजन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या आपको लगता है कि जुलाई में इस नोटिफिकेशन के बाद कोई बड़ा नोटिफिकेशन आ सकता है बहाली का? ऐसा संभव नज़र नहीं आता, क्योंकि कुछ सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी भी जो 2011 के बीटेट पास अभ्यर्थी हैं और टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उनका जो टाइम लैप्स हो रहा है, उनके लिए एनसीटीई से अप्रूवल की बात कही जा रही है, एचआरडी से अप्रूवल की बात कही जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अप्रूवल मिलता है फिर भी बहाली प्रक्रिया शुरू इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें यह फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि शिक्षकों के बिहार में जो वेतनमान है उसको घटाया जाए। नीतीश कुमार कई बार के दिल्ली दौरे के बाद मानने को तैयार नहीं है, पर इस पर भी चर्चा हो रही है। अगर वेतनमान में कटौती होती है तो नए वेतनमान के निर्माण में भी समय लग सकता है। ये आपको डराने के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये बस आपको बताया जा रहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आना थोड़ा दुर्लभ लग रहा है। और अगर नोटिफिकेशन आ भी जाए तो आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि 10 से 12 केस अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है, और आपका नोटिफिकेशन कोई भी केस पीड़ित जाकर लगा करके बहाली प्रक्रिया पर 2 से 3 महीने तक रोक लगा सकता है। शिक्षा सुधार रोज़गार आंदोलन आपके पक्ष में है और आपको ये बताना चाहता है कि हम इस प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं, पर ऐसा हो सकता है। अब सोचना आपको है कि सही गलत क्या है। आपको लगता है शिक्षा सुधार रोज़गार आंदोलन आपके खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सचेत किया जाता है, सही खबर दिखाई जाती है, और इस वीडियो के माध्यम से अभी भी आपको सच ही कहा जा रहा है। बहुत सारे पीड़ित अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल आते हैं कमेंट में और उसका जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं आज। अब जबकि नोटिफिकेशन की बात जुलाई में संभव नज़र नहीं आती, तो आपको कमर कसना होगा और उस नोटिफिकेशन के लिए दिन रात दौड़ना होगा, भागना होगा, क्योंकि एक तरफ तो नेता मस्ती में डूबे हैं, दूसरे तरफ 100 से 150 बच्चे इंसेफ्लाइटिस नाम के एक बीमारी से मर रहे हैं। और आपको ये जानना चाहिए कि आगे चल के भविष्य में जब आप शिक्षक बनेंगे तो इन्हीं गरीब के बच्चों को आपको पढ़ाना है, और वो बच्चे आज सुरक्षित नहीं हैं। सरकार मस्त है, जनता पस्त है। ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाएंगे किसको, क्योंकि सरकार अब निकम्मी हो चली है, कानून और शासन तंत्र अब लुटेरा बन चुका है। ऐसे में आपको क्या मिलेगा और आपका भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। हम आपको आंदोलन के कुछ वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे पर अभ्यर्थी कितने सक्षम हैं। और उन्होंने आंदोलन किया था कुछ दिन पहले जजमेंट लेकर, पर तानाशाही बीएसईबी बोर्ड ने सुनने से ही मना कर दिया, और पीड़ित अभ्यर्थी इस जून कि भरी दोपहर में बीएसईबी बोर्ड के आगे चिल्लाते रहें, कलेजा पीटते रहें। आपको भी ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो 10 से 12 हज़ार पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनका भी ये हक है कि उनको भी बहाली प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों से मेरा ये निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोज़गार आंदोलन के वीडियो को गलत ना लें, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों से एक और निवेदन है कि अगर आपके बहाली की कोई मांग है और आपका कोई अगर सुझाव है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल करेगा अंत में वीडियो के, आप वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, हम वो पुरजोर तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे आपके वक्तव्य के साथ, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के विरोध में नहीं है, हम बस सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोज़गार हो जो निकट भविष्य में नज़र नहीं आता है। चलिए अब इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं और आप खुद जज कीजिए कि इन गर्मी में छटपटा रहे पीड़ित अभ्यर्थियों का भविष्य क्या है, और इन नारा लगा रहे पीड़ित अभ्यर्थियों को हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अब आप पर छोड़ते हैं। यही मांग था कि जो क्वेश्चन गलत हो गया है उसको नंबर देकर 150 पर जल्द जारी कर दो, जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो भी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन से सर वो 150 पर ही जल्द जारी करता है, लेकिन बिहार बोर्ड हम लोग के लिए इंसाफ करता है एकदम, बिल्कुल एकदम मैंने इंसाफ नहीं करता है।
हम लोग का है और कोर्ट का आदेश भी हम लोग के पास है कि नहीं आप लोग नंबर दे सकते हैं। जबकि टोटल मैंने जितने भारत में सीटेट एग्जाम लेता है 150 जल्द जारी करता है, क्योंकि गलती हो जाता है नंबर देकर 150 जल्द जारी करता है, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड ने ऐसा नहीं करता है। ये एग्जाम कब हुआ? ये 2017 में हुआ। 2017 में हुआ। मेरा नाम नंदू पासवान हुआ। हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, गलत प्रश्न का अंक देना होगा, बिहार बोर्ड होश में आओ, बिहार बोर्ड होश में आओ, हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, गलत प्रश्नों का अंक देना होगा, प्रश्नों का अंक देना होगा, देना होगा, देना होगा, हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, करना होगा, हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा, बिहार बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप कहाँ से हैं? बेगूसराय जिला से। नहीं था कि आप यहाँ देखिए, आप कहाँ से हैं? बेगूसराय जिला से। आप बिहार टीईटी 2017 पीड़ित हैं? जी हाँ। कितना अंक आपको चाहिए? 5 नंबर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स चाहिए जी। अगर गलत प्रश्नों के बदले अंक मिलता है तो आप पास होंगी? जी बिल्कुल होंगे। क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि एग्जाम जो लिया गया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, जबकि उन्होंने स्क्रूटनी मांगा था, स्क्रूटनी देने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत है, जो बिहार बोर्ड अभी भी मार्क्स दे के हम बच्चों को पास कर सकती है, लेकिन बिहार बोर्ड इस बात पे कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं।